हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज सपना। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मैजिकल हेयर ऑयल जो कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सभी परेशान हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी झड़ते बालों से बहुत परेशान हैं। बट किसी किसी में ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। जेनेटिक रीज़न के अलावा टेंशन और स्ट्रेस से भी बाल झड़ने लगते हैं। तेज़ और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग खुद पर ध्यान देने में इतना वक्त नहीं लगाते जितना वो टेंशन और स्ट्रेस से गुजरते हैं, और इसका सीधा असर उनकी हेल्थ के अलावा उनके बालों पर भी पड़ता है, जिससे हेयर ग्रोथ के लिए उन्हें ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और उनकी ग्रोथ रुक जाती है और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। नींद पूरी ना होने के कारण भी हेयर फॉल होने लगता है। नींद पूरी ना होने की वजह से इंसोमेनिया और ना सोने संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जिसका सीधा असर आपके बालों पर पड़ता है। बालों को सुखाने के लिए हम हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं, उससे भी बाल झड़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, आजकल हम जो केमिकल अपने हेयर्स पर करवाते हैं उनसे हमारे बाल काफ़ी हद तक डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, हाइलाइटिंग, कलरिंग एंड जाने ना जाने कौन कौन से ट्रीटमेंट जिनके मुझे नाम भी नहीं पता। जो भी हम केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं उससे हमारे बालों को काफ़ी डैमेज होता है, और हम उन डैमेज को क्योर करने के लिए हम स्पा कराने जाते हैं, लेकिन स्पा भी हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करा सकते। उससे अच्छा हमारे पास एक नेचुरल सॉल्यूशन है जो कि घर पे है, वो है ये मैजिकल हेयर ऑयल। ये मैजिकल हेयर ऑयल आपकी डैमेज वाली प्रॉब्लम को क्योर कर देगा, ख़त्म कर देगा, अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इस हेयर ऑयल को। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्लैक सेसमे सीड ऑयल। ब्लैक सेसमे सीड ऑयल जो होता है, इसमें हाई लेवल में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये बालों की ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है और बालों को नया मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ये बालों को हाइड्रेट करता है जिससे हमें स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये आपके बालों में एक शाइन देता है और उसे लॉक कर देता है। फिर हम लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों को दूसरे और ऑयल के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक हाइड्रेट करता है और मॉइस्चराइज करता है, और ये हमारे बालों को हेल्दी बनाता है और शाइनी बनाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, और ये विटामिन ई से भरपूर होता है। उसके बाद हम लेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है बहुत हल्का ऑयल होता है, हमारे बालों में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ करता है और हमारी स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करता है। ये हमारे बाल को रिपेयर करता है, ड्राई हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर हम इसे अकेले भी यूज़ करें, सिंगल मतलब किसी ऑयल के साथ मिक्स नहीं करके यूज़ करें, तब ये हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके बाद हम लेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल रिड्यूस्ड डैमेजेस एंड ब्रेकेजेस, इट प्रोवाइड्स मोर मॉइस्चर, शाइनर, सॉफ्टनेस, और हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्प्लिट्स एंड को कम करता है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे आलमंड ऑयल को। आलमंड ऑयल मेक्स आवर हेयर फील स्मूदर टू टच, मतलब ये हमारे बालों को सॉफ्ट कर देता है और हमारे बालों में जो कॉम्ब है वो इजीली स्लिप आउट करता है, इतना अच्छा ये हमारे बालों को मॉइस्चर करता है। इन पांचों ऑयल्स को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल बालों को लंबा करने में हेल्प करता है, और ये वीक हेयर्स को पोषक तत्व प्रोवाइड करता है और बालों को हेल्दी रखता है, बालों को ग्रे होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को नुकसान पहुंचने के कारण बाल उम्र से पहले वाइट होने लगते हैं, ऐसे में विटामिन ई का यूज़ करना इस समस्या से बचाव करता है, और ये स्कैल्प को हेल्दी बनाता है जिससे हमारे बाल इजीली ग्रो होते हैं। मैंने इसे एक बार के यूज़ के लिए बनाया है, आप चाहे तो इसे 15 डेज और 1 मंथ के लिए बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। इसका जो रेशो होगा वो होगा, अगर आपने 4 स्पून बाकी ऑयल्स लिए हैं तो 1 स्पून आपका कैस्टर ऑयल होगा, क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, इसलिए उसको हम कम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वो बहुत थिक होता है।
और जब भी आप इस ऑयल को अप्लाई करें अपने हेयर्स पे तो थोड़ा सा इसको वॉर्म कर लें। वॉर्म अगर आप इसे करेंगे तो आपकी रूट्स में इजीली चला जाएगा और दुगना असर आपको देखने को मिलेगा। तो लीजिए, बनके तैयार है हमारा मैजिकल हेयर ऑयल। इसे हम रात में सोने से पहले अप्लाई करेंगे और मॉर्निंग में वॉश कर देंगे। आप चाहें तो हेयर वॉश के 1 घंटे पहले भी आप इसको बालों में अप्लाई कीजिए और यूज़ कीजिए, तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आप इसे रात में यूज़ करते हैं, पूरी रात अपने बालों में लगा के छोड़ देते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।